हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अनुजेस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है और ये थ्योरी का पार्ट है, हमारे थ्योरी का तीसरा वीडियो है और ये बहुत ही स्पेशल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारी हम ट्रिक करेंगे, इसमें लगभग 3 से 4 इसमें टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको एग्जाम देके क्लियर करना है तो आपको थोड़ा सा चालाकी करनी होगी जरूर। इसमें आपको ये देखना होगा कौन सा टॉपिक आता है एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला ट्रिक है यह, देखिए क्वेश्चन आता है बहुत ही बार, जैव उर्वरक कौन कौन से है। तो देखिए एजोला है, एजोला, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम आपका। और देखिए ये जो हमारे जैव उर्वरक है, और देखिए जैव आपका जो एजोला है उसे कहते हैं जलीय फर्न भी, जलीय फर्न भी बोला जाता है एजोला को। नीलहरित शैवाल देखिए धान में उपयोग होता है, और आपका देखिए राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए होता है। आपका जो किसान होते हैं वे राइजोबियम, देखिए आपका ये जो होता है राइजोबियम ये पाया जाता है आपका जो लोबिये और लोबिये की जड़ होती है या मटर के पौधे होते हैं किसान बोते हैं उनको खाद बनाने के लिए। लोबिये की जो जड़ होती है उसमें कुछ गांठें पाई जाती है, वो जो है आपका नाइट्रोजन से भरपूर होता है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए प्रथम जैविक राज्य कौन सा घोषित हुआ है। तो ये हुआ आपका सिक्किम, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो जैव उर्वरक आपको पता लग गया। इसके बाद हम करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, पूरा पूरा चैप्टर इसी से कंप्लीट हो जाएगा। सड़क परिवहन आपका, ये आपका NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, NH7, NH8 पूछा जाता है। NH7 कहां से कहां तक जाता है, 3 कहां तक जाता है, 4 कहां तक जाता है। तो हम कैसे ट्रिकी से करेंगे इसको कंप्लीट, देखिए NH1 के नीचे, 2, 3 के नीचे कैसे करेंगे। ट्रिक क्या है, अधि कोदि आमो मूचे कोचे कोमु वाक, क्या हुआ ये, अधि कोदि आमो मूचे कोचे कोमु वाक और डीजम। तो देखिए हमें पता लग चुका है, देखिए अधि NH1 जो है आपका अमृतसर से दिल्ली जाता है, कोदि दूसरा जो NH2 है आपका नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये जाता है दूसरा कोलकाता से दिल्ली, तीसरा आगरा से मुंबई, चौथा है आपका मुंबई से चेन्नई। आपका जो NH5 है ये जाता है कोलकाता से आपका चेन्नई, आपका 6 जो जाता है आपका कोलकाता से मुंबई जाता है, NH7 जो है आपका ये है आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, और आपका जो NH8 है ये जाता है आपका दिल्ली, जयपुर और आपका मुंबई आपका। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये कंप्लीट हो चुके हैं NH1 से लेकर NH8 तक। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे बड़ा जो राजमार्ग है वो है आपका NH7, तो NH7 आपको पता है देखिए कहां से कहां तक जाता है, तो ये जाता है आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक। आपका कितने किलोमीटर का है, तो ये आपका 2369 किलोमीटर। फ्रेंड्स इसके बाद है सबसे छोटा जो राजमार्ग है NH47 है, ये केवल 6 किलोमीटर का है। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा है वो है NH7, सबसे छोटा है NH47। इसके बाद है देखिए आपका ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण या GT रोड का निर्माण किसने कराया था, यह कराया था आपका शेर शाह सूरी ने। आपका जो ग्रांड ट्रक रोड या GT रोड जाता है वो जाता है आपका NH1 और 2 को मिलाकर यह बनता है आपका GT रोड आपका। इसके बाद आपका देखिए किस प्रदेश में या किस राज्य में सबसे सर्वाधिक सड़कें हैं, तो महाराष्ट्र और UP में जो है आपकी सबसे ज्यादा सर्वाधिक सड़कें पाई जाती है। इसके बाद है 100% गांव में पक्की सड़कें या सर्वाधिक सड़क औसत घनत्व तो किस राज्य में, तो ये आपका केरल राज्य में। फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद है विश्व में स्थान है सड़क परिवहन में आपका, तो ये आपका नंबर 2 आता है आपका भारत का। इसके बाद आपका विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहां पर है, देखिए मनाली में है, तो ये आपका लेह मार्ग। इसके बाद आपका NH या नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये आपका भारत सरकार की। किसके नियंत्रण में काम करता है, देखिए ये करता है देखिए CPWD या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है आपका फ्रेंड्स, चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग से या चार राज्यों को मिलाने वाला चतुर्भुज या कोई और ऑप्शन आता है, काफी बार पूछा जा चुका है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, देखिए डी दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता। आपको लग रहा है ये चार राज्यों को मिला रहा है, लेकिन ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है आपका ये जो है आपका सड़क परिवहन से है, NH
से आपका नेशनल हाईवे से, देखिए कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता, यहाँ पे देख लीजिए आप मैप में, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता, तो ये क्या हुआ, चतुर्भुज बन चुका है। तो ये देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता का जो आपका किलोमीटर है, ये है आपका 5,846 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो ये परिवहन से है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करते हैं भारतीय रेल से भी क्वेश्चन आता है आपका। आपकी जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वो चली थी आपका 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, और ये लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी आपका। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट है भी, सबसे लंबी रेल यात्रा कहां से कहां तक है, तो यह आपका जम्मू तवी से कन्याकुमारी 3,751 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये जो आपका लंबी रेल यात्रा है आपकी सबसे ज्यादा। इसके बाद है देखिए क्वेश्चन, सबसे लंबा प्लेटफार्म, देखिए पहले जो था आपका खड़गपुर था ये, अब जो है वर्तमान में यह आपका गोरखपुर में 1324 आपका, यह है आपका 1324 मीटर है फ्रेंड्स आपका ये। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए सबसे पहली विद्युत ट्रेन थी आपका, तो ये थी आपका 1925 में मुंबई और कुर्ला के बीच चली थी। इसके बाद है देखिए अगला क्वेश्चन, गेज प्रयोग, देखिए जो भारतीय रेल प्रयोग करती है गेज, वो होता है आपका 3 प्रकार का, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला भूमिगत रेलवे देश का कौन सा था, तो ये था आपका कोलकाता मेट्रो 1972। तो फ्रेंड्स देखिए आपको जो है, मैंने वैसे 500 से 600 जो है आपका टॉपिक छांट लिया आपकी कि एग्जाम के लिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ गया फ्रेंड्स आपका। इसके बाद आपका रेलवे जोन कितने हैं, देखिए भारत में है 17। सबसे बड़ा रेल पुल कौन सा है, तो ये आपका सोन नदी का पुल जो कि बिहार में है, कहां पे है, बिहार में। इसके बाद है देखिए सबसे लंबी रेल सुरंग कहां पर है, देखिए ये आपका पीर पंजाल में 11 किलोमीटर की है। अब देखिए जो है नई बनने वाली है, कोई और सी है, देखिए जम्मू में ही है शायद वहीं पे। इसके बाद है देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है, तो रेल इंजन कौन सा सबसे पुराना, तो ये आपका फेरी क्वीन, कौन सा है, फेरी क्वीन। इसके बाद आपका सर्वाधिक ढुलाई जो करता है आपका रेलवे, वो करता है सबसे ज्यादा कोयले की, उसके बाद आपका सीमेंट की आपका। इसके बाद आपका देखिए रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा है किस स्टेट में, आपका उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स, कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखिए आपका क्या है, रेल मार्ग की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका उत्तर रेलवे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए हमारे काफी सारे जो है आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं जल्दी से, तो देखिए जैव उर्वरक कौन से थे, एजोला नीलारी सहवाल साइनोबैक्टीरिया राइजोबियम आदि। तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है काफी इंपॉर्टेंट, काफी सारे क्वेश्चन इसी से हल हो जाते हैं। अधि कोदी आमु मुचे कोचे कोमु वाक, तो इस प्रकार से NH1 से लेकर NH8 तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जल्दी मैं देखिए कट ऑफ लाऊंगा, कितने क्वेश्चन आपके लिए सेफ रहेंगे इस एग्जाम के लिए, और फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो जो है आपका कैसा लगा। मुझे लगता है कि जो थ्योरी का पार्ट है वो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा इस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ देखिए हमारे जो टेस्ट चल रहे वो लगातार देते रहे। और फ्रेंड्स समय कम है, अगर आपने किसी ने आपने देखा होगा पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम से 1 महीना पहले आप अच्छे से पूरा रगड़ के पढ़ दीजिए, तो वो भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतनी होगी, इसमें पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है कंप्लीट सिलेबस, तो उसमें मेन मेन आपका जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है उसको पढ़ दीजिए एक बार। और देखिए आपका जो है ऑब्जेक्टिव कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे। कोई भी चैनल है, काफ़ी सारे चैनल हैं जो टेस्ट लगा रहे हैं BSSC के लिए, तो आप बेहतर है कोई से भी आपको जो बेहतर लगता है फ्रेंड्स वहाँ आप टेस्ट दे। तो देखिए जल्दी मैं कल को देखिए रीजनिंग का टेस्ट और आपका मैथ का भी टेस्ट यहाँ पे लाऊंगा फ्रेंड्स जल्दी, क्योंकि मैथ से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे हमारा, और 50 क्वेश्चन में से आप लगभग 40 से 45 आप इजीली बना देंगे। मैं आपको रीजनिंग ज़्यादा नहीं कराऊंगा, केवल बेसिक कराऊंगा आपको, केवल लगभग 8 से 10 टॉपिक है, उसी में से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स आपका। तो देखिए फ्रेंड्स अगर इसमें हमारे से कोई गलती हुई है थ्योरी के पार्ट में, कोई किसी टेस्ट में,
तो आप बताएं जिससे हम आने वाली वीडियो में सुधार कर सके फ्रेंड्स। तो आप कमेंट करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें फ्रेंड्स।